नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम उन मुद्दों की बात करेंगे जो 2019-20 में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं और जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि से साबित होंगे एग्जाम में। तो चलिए हम पहले मुद्दे पर बात करते हैं। 31 अक्टूबर 2019 की, तो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ? सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो अलग अलग केंद्र शासित बने प्रदेश बने। अब जम्मू कश्मीर के अंदर कुल कितने जिले रहे हैं? उसमें 22 जिले हैं और लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं। अब वर्तमान में कुल कितने राज्य रह गए हैं? तो कुल राज्य 28 रह गए हैं और कुल केंद्र शासित प्रदेश, यदि मैं 31 अक्टूबर 2019 के दिन की बात करें, 19 दिन के कुछ समय बाद की बात करूं, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश। अब वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश में है। इस नेक्स्ट अगले मुद्दे पर मैं बात करूंगा, तब बताऊंगा। तो मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, जम्मू कश्मीर है ना, उसकी राजधानी तो क्या रखी गई? श्रीनगर रख गई। और लद्दाख है, उसकी राजधानी लेह है। लद्दाख के अंदर सिर्फ 2 जिले हैं, लेह है और करगिल। और लद्दाख के अंदर आपको याद रखना है कि एक वो है नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट में अगले मुद्दे पर बात करते हैं हम। 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? दादर नगर हवेली तथा दमन दीव का एक साथ विलय हो गया। इसी कारण वर्तमान में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। और इस दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय हुआ है, इन दोनों की राजधानी कहाँ रखी गई है? तो इन दोनों की राजधानी दमन रखी गई है। और यह एग्जाम में पूछ ले कि ये दोनों कौन से, दादर नगर हवेली और दमन दीव, इन दोनों का हाईकोर्ट किस हाईकोर्ट के अंदर आएंगे? तो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप साथ साथ में नोट करते चले जाना, मुद्दे मेन हेडिंग बनाओ और नीचे जो भी मैं बताऊं वह साथ साथ में नोट करो, तभी एग्जाम में सफलता मिलेगी। और एग्जाम लगे उससे पहले एक बार रिवीजन करके जरूर चले जाना। नेक्स्ट में बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक खेल 2020। अब आप सभी को पता है कि यह स्थगित हुए हैं। किस वर्ष होंगे? अब 2021 में ही होंगे, टोक्यो में ही होंगे। इस 2020 के अंदर टोक्यो में होने संभव थे और नहीं हुए, किस कारण? कोविड-19 के वजह से। अब मैं आपको पूछूं कि 2016 के अंदर ओलंपिक हुए हैं, वो कहाँ हुए हैं? तो इसका आंसर होगा रियो डी जेनेरो, ब्राजील। तो ओलंपिक खेलों की बात आई है, तो ओलंपिक खेलों के बारे में मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम 700 से शुरू है प्राचीन ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ? यूनान देश के अंदर ओलंपिया शहर में हुआ और ओलंपिस नामक यूनानी देवता के सम्मान में हुआ था, इसी कारण इसे ओलंपिक नाम दिया गया। और आपको एग्जाम में सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर याद रखना 1896 में बेरन पियरे डी कुबर्तिन के प्रयासों से। किस शहर से हुई? तो यूनान का एक शहर है, क्या नाम है उसका? एंथेस शहर। कौन सा? एंथेस शहर से इसकी शुरुआत हुई है। और 1896 के बाद प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। वर्तमान तक कितनी बार रद्द हो चुके हैं? 3 बार रद्द हो चुके हैं। इस 2020 का रद्द नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। कब कब हुए हैं रद्द? 1916 के अंदर, यह डेट याद रखना दोस्तों, सन 1940 और 1944 के अंदर रद्द हो गए हैं प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। अब मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो 16 जून 1894 को इस समिति की स्थापना हुई। कहाँ हुई? सखोन नामक स्थान पर। अब आईओसी का मुख्यालय, आईओसी का मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने, स्विट्जरलैंड। अब मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, आप साथ साथ में नोट करते जा ले जाना, मुद्दा तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, लेकिन आपको इससे स्टैटिक जीके के अंदर भी पूछ सकता है कोई सा भी क्वेश्चन। मैं आपको बताऊं कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई। यदि ओलंपिक समिति की पूछे तो 1894 के अंदर हुई, यदि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना पूछे तो 1924 में अंदर हुई, और ओलंपिक खेलों की, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पूछे तो 1896 करके आना है। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है भारतीय ओलंपिक समिति की? सर जे टाटा है, और पहली महिला अध्यक्ष नीता अंबानी है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं।
T20 महिला वर्ल्ड कप की बात करते हैं, यह कब हुआ? 8 मार्च 2020। अब देखो महिला वर्ल्ड कप है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। और राजस्थान में देखा जाए तो वसुंधरा राजे जी का जन्म भी 8 मार्च को हुआ है। और मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है T20 महिला वर्ल्ड कप। एग्जाम में पूछ ले कि भारत और किस देश के मध्य हुआ, तो भारत वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, इसमें विजय किसकी हुई? ऑस्ट्रेलिया की विजय हुई। भारत के कप्तान पूछे तो कप्तान आपको करना है हरमनप्रीत कौर, यह और यह ऑस्ट्रेलिया में ही आयोजित हुआ। आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा कि स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना, वो कहाँ स्थित है? तो यह तो सभी को मालूम है कि गुजरात में स्थित है, लेकिन हो सकता है कि आपको स्थान पूछ ले तो केवड़िया नामक स्थान पर। गुजरात में भी कहाँ? केवड़िया नामक स्थान पर 182 मीटर ऊंची ली हुई है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया नामक स्थान पर स्थित है। और मैं आपको बताऊं कि यह मूर्ति है ना, यह प्रतिमा है, यह किस व्यक्ति की है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और 31 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई। 31 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। और स्टेचू ऑफ यूनिटी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि इसके वास्तुकार कौन है? तो एग्जाम में याद रखना, राम सुतार ऑप्शन में आई उसी पर टिक करना है। स्टेचू ऑफ यूनिटी की दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राम सुतार। और यह किस नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे है। और नर्मदा नदी पर एक बांध भी, याद रखना, सरदार सरोवर बांध है। नेक्स्ट में बात करते हैं, अभी COVID-19 के समय कई परियोजना चलाई गई है। मैं बात करूं मोहल्ला क्लिनिक की, तो यह दिल्ली में चलाया गया है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा कि मोहल्ला क्लिनिक किस राज्य से संबंधित है? तो दिल्ली से संबंधित है। यदि संजीवनी क्लिनिक की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से संबंधित है, मामा की नगरी शिवराज सिंह। जनता क्लिनिक यह राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट में बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई? 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई। अब मैं बात करूं कि यदि संपूर्ण भारत में पूछे तो 23 की जगह 25 कर देना, 25 सितंबर। और आगे बात करते हैं कहाँ से स्टार्ट की गई, आपको यदि स्थान भी पूछ ले तो रांची झारखंड, जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी भी है, याद रखना, ठीक है। और आपको बात करूँ कि 25 सितंबर से संपूर्ण भारत में क्यों की गई, भाई और भी डेट खूब आती है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय जयंती इसी दिन मनाई जाती है और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। अब आयुष्मान भारत योजना है ना, इसके अंदर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रति परिवार को दिया जाएगा। आपको इकाई पूछ लेगा एकदम, मैं आपको सीधा सीधा पूछ लेगा कि ये प्रति आयुष्मान भारत योजना से संबंधित कथन है। तो 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आएगा पहला ऑप्शन, आप उसी पर टिक करके आएंगे, लेकिन यह गलत होगा क्योंकि 5 लाख रुपए प्रति परिवार है। कुल कितने लोग हैं? तो कुल 10 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं, विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी तो पहले नंबर पर है, यह तो सभी को मालूम है, लेकिन दूसरी दूसरी है मंदारिन। मंदारिन कौन सी भाषा है? चीनी भाषा है। अब आपको पूछे कि हिंदी भाषा का कौन सा स्थान है, तो तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जो हमारी। नेक्स्ट में बात करते हैं रामसर स्थल की। अब रामसर स्थल है ना, वह कहाँ है? रामसर स्थल ईरान के अंदर एक स्थान है। अब राम एग्जाम पूछेगा रामसर कन्वेंशन से संबंधित बताओ, तो कन्वेंशन का मतलब है दलदली या आर्द्र भूमि। और यह सम्मेलन है कब हुआ? रामसर सम्मेलन पूछ लेगा एग्जाम में सीधा सीधा, तो 1971 के अंदर रामसर सम्मेलन हुआ, जो वन्य जीव जीव हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग स्थानों का विकास करना। यदि पूछ ले कि कुल रामसर स्थल कितने हैं इंडिया के अंदर, तो इतने दिन तो 27 थे, लेकिन फरवरी 2019 से
वर्तमान में टोटल 37 है। रामसर स्थल का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो सम्मेलन कब हुआ 1971 के अंदर, और कुल रामसर स्थल कितने हैं 37, याद रखना दोस्तों, 10 बढ़ाए गए हैं इस बार। नेक्स्ट, अब मैं आपको बताऊँ कि पांच व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं, और ये सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लास के, क्योंकि पूरे भारत में चर्चा में रहते हैं यह क्वेश्चन, चाहे किसी भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान लेवल हो, स्टेट लेवल हो, चाहे केंद्र लेवल हो, हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट। डॉक्टर सलीम अलीम को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सलीम अली। आपको एग्जाम में पूछेगा वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपको इसी में आंसर देना है। मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली। अब डॉक्टर कैलाश चाकला को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। क्या, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, कैलाश चाकला को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा गया, बताओ दोस्तों, याद करो, देखें, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कैलाश चाकला को, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। यदि APJ अब्दुल कलाम को बात करूँ, ये तो मेरे हिसाब से सभी को आता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है, यह एक वैज्ञानिक थे। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, राजेंद्र प्रसाद नहीं है, राजेंद्र सिंह है जो अलवर से संबंध रखते हैं, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रामसर स्थल, रामसर स्थल के अंदर क्या हुए, पांचों व्यक्तियों के नाम इम्पोर्टेंट है, इन सभी को याद रखना दोस्तों, और इनके उपनाम याद रखना। डॉक्टर सलीम अली है, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ, डॉक्टर सलीम अली, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कैलाश चाकला, टाइगर मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वाटर मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट में बात करते हैं बोटुलिज्म, जो सांभर झील के अंदर है, और जो कितने पक्षियों की मौत हुई थी, उसी का कारण कौन सी बीमारी थी, बोटुलिज्म बीमारी। यह याद रखना, क्योंकि सांभर झील से यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो इस बार तो बोटुलिज्म ही सबसे इम्पोर्टेंट है। भारत के अंदर 8.6% नमक, कितना, 8.6% नमक का उत्पादन अकेला सांभर झील करता है, और यह सांभर झील है ना, किन किन झीलों के अंदर आता है, तो इसकी ट्रिक क्या है, जान, सांभर झील पक्षियों की जान है, जान का मतलब जहाँ, जान है एकदम से, क्यों है, क्योंकि विदेशों से कई पक्षी यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं अलग अलग ऋतु के अंदर। जे का मतलब जयपुर, एक का मतलब अजमेर, एन का मतलब नागौर, यदि मुख्य रूप से पूछे तो जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट बात करते हैं ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी देश किसने की, तो इसकी मेजबानी देश था दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, और यदि फाइनल मैच की बात करें ना, तो फाइनल मैच किन किन देशों के मध्य हुआ, एक तो शेख हसीना जुल्फ वाली बांग्लादेश, और एक मोदी वाला भारत, इन दोनों के बीच में ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है। और यदि बांग्लादेश की बात करूँ, तो अकबर अली इसका कैप्टन है, और भारत की बात करें तो प्रियम गर्ग जो UP से हैं, और यदि राजस्थान की बात करें, तो अंडर 19 से संबंधित में दो खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित है, कौन कौन है, एक तो रवि बिश्नोई, एक और क्या है, आकाश सिंह। रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है ICC वर्ल्ड अंडर 19। यदि इसमें विजय की पूछे, तो बांग्लादेश विजय रहा है। नेक्स्ट में बात करते हैं संजीता चानू, संजीता चानू एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा कि किससे संबंधित है, तो संजीता चानू, एक तो वेट लिफ्टिंग याद रखना, वेट लिफ्टिंग का मतलब भारोत्तोलन से संबंधित है। इन्होंने हाल ही में डोपिंग आरोप में फंसाया गया था, डोपिंग का मतलब खेल के अंदर नशे का प्रयोग करना या खेल की भावना को ख़त्म करना, लेकिन यह खारिज हो गया है, इसी कारण 2018 का अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट में बात करते हैं कि ये संजय चानू कहाँ की है भाई, तो मणिपुर की है, मणिपुर की है, तो मणिपुर से एक और खिलाड़ी संबंध रखती हैं, MC मेरी कॉम, जो बॉक्सिंग से संबंधित है। MC मेरी कॉम किससे संबंधित है, बॉक्सिंग के। इनकी MC मेरी कॉम की एक बुक भी है, उनका नाम क्या है, अनब्रेकेबल। क्या, अनब्रेकेबल। MC मेरी कॉम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है,
और इनके बारे में याद रखना कि इन्हें 2018 का अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा इस बार। नेक्स्ट में बात करते हैं वसीम जाफर। कौन? वसीम जाफर। वसीम जाफर की बात करें तो इन्हें घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर, आपको पता है भगवान क्रिकेट के भगवान कौन है, सचिन तेंदुलकर। इसी प्रकार बात करें तो वसीम जाफर को भी घरेलू क्रिकेट के सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। और रणजी ट्रॉफी के अंदर, क्रिकेट के अंदर एक ट्रॉफी होती है रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले कौन हैं, तो वसीम जाफर है। और वर्तमान में ये किस टीम के कप्तान हैं, कोच हैं, तो वर्तमान में उत्तराखंड टीम के कोच हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं मारिया शोरोपोवा किस खेल से संबंधित है, एग्जाम में पूछेगा तो सीधा सीधा पूछेगा और लोग बहुत भ्रमित हो जाएंगे, तो टेनिस से संबंधित हैं। आपको पूछ लेगा रोजर फेडरर किससे संबंधित हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं और टेनिस खेल से संबंधित रखते हैं। और टेनिस खेल में विश्व में सर्वाधिक, यदि आपको एग्जाम पूछते हैं विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो इसका आंसर होगा रोजर फेडरर। और इसी के साथ यदि फुटबॉल के अंदर पूछ लेगी फुटबॉल में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो क्रिस्टिनो रोनाल्डो, क्रिस्टिनो रोनाल्डो, ये फुटबॉल के अंदर है, ये तो पहले हैं, ये दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली। और यदि भारत के अंदर बात करें तो विराट कोहली हैं जिनका स्थान 66वां स्थान रहता है पूरे विश्व में। टेनिस के चार टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तो एग्जाम में क्रम के अनुसार पूछ लेगा और नाम देखकर ही पूछ लेगा निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट है, इससे टेनिस खेल से संबंधित नहीं है। तो टेनिस का एक तो ट्रिक तो बाद में बताऊंगा, मैं पहले नाम बता देता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये पहला है, क्रम से याद रखना दोस्तों, फ्रेंच ओपन, ये दूसरा टेनिस के खेल से संबंधित है, तीसरे विंबलडन ओपन, और चौथे की बात करें तो अमेरिकन ओपन। ये चारों टूर्नामेंट है, कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन, ये चारों क्रम से याद रखना। और क्रम से याद रखना का मतलब अफवाह याद रखना, अफवाह ये याद रखना, ये क्रम से, ये ट्रिक है एक तरह से, एक का मतलब ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन, एक का मतलब सर्वप्रथम याद रखना ऑस्ट्रेलियन है, अमेरिकन लास्ट में है, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकन, याद रखना दोस्तों ये चारों का क्रम याद रखना, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेगा। और इनके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है टेनिस टूर्नामेंट से, आपको पूछ लेगा कि जो टेनिस के चार टूर्नामेंट होते हैं उनमें से वह कौन सा टूर्नामेंट है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द किया गया, तो उसका आंसर होगा विंबलडन टूर्नामेंट। और टेनिस की प्रतियोगिता में जिसे रद्द किया गया है, वो पहली बार प्रतियोगिता में रद्द किया है, वही विंबलडन ही होगा। क्या कि टेनिस में पहली प्रतियोगिता जिसे रद्द किया गया है विंबलडन ओपन। नेक्स्ट में बात करते हैं छपाक फिल्म किससे संबंधित है भाई, जो एसिड अटैक हुआ था आपको याद है, इस मूवी को आप जानते हो, और किसने बनाई, मेघना गुलजार ने बनाई। नेक्स्ट में बात करते हैं और जिस पर वो हुआ एसिड अटैक हुआ वह कौन था, लक्ष्मी अग्रवाल। यदि आपको पूछ ले कि लक्ष्मी अग्रवाल की एक्टिंग किसने निभाई, तो दीपिका पादुकोण, एग्जाम में पूछ लिए, पता नहीं किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट टाइम बात करते हैं पद्म विभूषण, तो इस बार पद्म विभूषण किन्हें दिया गया, तो एक तो है अरुण जेटली, दूसरा है एम सी मेरी कॉम, मणिपुर से संबंध रखती है, बॉक्सिंग से संबंध है, तीसरी सुषमा स्वराज, ये तीनों को पद्म विभूषण दिया गया है। और यह एक नागरिक सम्मान है, और एग्जाम में नागरिक सम्मान में क्रम पूछेगा कि भारत रत्न है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये चारों अटपटे हर किसी क्रम में दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इन चारों का सम्मान की दृष्टि से, सर्वोच्चता की दृष्टि से क्रम बताओ, तो इसका क्या आंसर होगा, भारत रत्न,
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट में पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद में दिया जाता है, पद्म विभूषण आएगा नीचे और लास्ट में पद्म श्री आएगा। ये चारों का क्रम है और इन चारों को 1954 में स्टार्ट किया गया और 1954 के अंदर सर्वप्रथम तीन लोगों को दिया गया, श्री राजगोपालाचारी, राधाकृष्णन और सीवी रमन। और यदि पूछ ले कि भारत रत्न है वर्तमान समय तक कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है, तो 5 महिलाओं को दिया जाता है वर्तमान दिया जा चुका है। कौन कौन है? इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी है, कब दिया गया? 1971 के अंदर है। मदर टेरेसा है, उनको 1980 के अंदर दिया गया। और अरुणा आसफ अली है, उन्हें कब दिया गया? 1992 के अंदर है। और एम सी सुब्बा लक्ष्मी है, 1997 के अंदर दिया गया। लता मंगेशकर है, 2001 के अंदर दिया गया। और विदेश में पूछ लेगा विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, एक तो खान अब्दुल गफार खान है जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, 1987 के अंदर दिया गया। और नेल्सन मंडेला है, इन्हें 1990 के अंदर दिया गया, याद रखना दोस्तों। और वर्तमान में किन्हें दिया गया है वो भारत रत्न? तो तीन लोगों को दिया गया है। कौन कौन है? एक तो है प्रणब मुखर्जी और दूसरा पूछे तो नानाजी देशमुख और तीसरा पूछे तो भूपेन हजारिका। इन तीन लोगों को वर्तमान समय में भारत रत्न दिया चुका है। और वर्तमान समय तक कुल कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं? 48 लोगों को दिया जा चुका है। अब नेक्स्ट में बात करें कि फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच क्रिकेट के अंदर किस बॉल का प्रयोग किया गया, किन किन देशों के मध्य हुआ, कौन सा देश विजय रहा? अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर पिंक बॉल यानी गुलाबी गेंद का प्रयोग हुआ है पहली बार। और यह फर्स्ट डे नाइट मैच भारत और बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फ वाला कौन सा बांग्लादेश के मध्य हुआ है और इसमें विजय भारत ने कही है, बांग्लादेश को बुरी तरह से हराया है। नेक्स्ट में फर्स्ट टेक भी बहुत चर्चा में रहा है दोस्तों। गाड़ी पर जो स्टिकर लगाया जाता है फर्स्ट टेक के लिए, जो टोल टैक्स होता है उसका कलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकें, इसी कारण फर्स्ट टेक लगाया गया है। और इसकी वैलिडिटी याद रखना 5 वर्ष के लिए होगी। नेक्स्ट पे बात करते हैं अगले की, गजेंद्र सिंह शेखावत। यह इम्पोर्टेंट क्यों है? या अब गजेंद्र सिंह शेखावत है ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों है? जल शक्ति मंत्री है और जल शक्ति मंत्री इस बार इस मंत्रालय का गठन पहली बार हुआ है, इसी कारण यह इम्पोर्टेंट। ये राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखते हैं, वहाँ के सांसद हैं। और राजीव गांधी अवार्ड, नेक्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2019-20 यह कब स्टार्ट किया गया? 1991-92 के अंदर। यह भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है और पहले व्यक्ति जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया विश्वनाथन आनंद है, जो शतरंज से संबंध रखते हैं। किस खेल से? शतरंज से संबंध रखते हैं। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को भी दिया जा चुका है। क्रिकेट के अंदर तीन लोगों को दिया गया, कौन है? सचिन तेंदुलकर, MS धोनी माही जो झारखंड रांची से संबंध रखते हैं, विराट कोहली जिन्हें चिकू कहा जाता है, या चिकू भगवान, मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट के भगवान माही चिकू, इन तीन लोगों को दिया जा चुका है। और इस बार नॉमिनेट किसे किया गया है? इस बार नॉमिनेट किया गया है रोहित शर्मा को। और मैं बात करूं कि राजस्थान, आपको एग्जाम पूछ ले कि राजस्थान के भी कोई है क्या जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, तो दो है, राज्यवर्धन वर्धन सिंह राठौड़ हैं जो भारत के पैरा ओलंपिक से पैरा एथलीट से संबंध रखते हैं, और दूसरा है देवेंद्र झाझड़िया जो पैरा एथलीट है, भारत के पहला पैरा एथलीट जिन्हें यह अवार्ड मिले, किन्हें? देवेंद्र झाझड़िया को। नेक्स्ट में बात करते हैं कि जनरल विपिन राउत, तो जनरल विपिन राउत है ना चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। आपको एग्जाम पूछ लेगा कि वर्तमान में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है, CDS कौन है? CDS मतलब चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन राउत है। और यदि आपको पूछे, अब जनरल विपिन राउत है यह तीनों सेनाओं का मुख्य कमान संभालते हैं, तीनों सेनाओं में कम्युनिकेशन के लिए ही यही पद बनाया गया है। और तीनों सेनाओं के प्रमुख याद रखना, नौसेना के प्रमुख कौन है, आर्मी के प्रमुख कौन है,
एयरफोर्स के प्रमुख कौन? नौसेना की बात करें तो एडमिरल करमवीर सिंह, ये नौसेना के प्रमुख है। और आर्मी मतलब थल सेना की बात करूं तो मनोज मुकुंद नरवणे, जो इस बार 28वें नंबर के आर्मी अध्यक्ष बने हैं। और नेक्स्ट में बात करूं कि एयरफोर्स के कौन हैं, तो आर के एस भदौरिया, एयरफोर्स की याद रखने की, एयरफोर्स यानी उड़ना, भदौरिया उड़िया, भदौरिया उड़िया, याद रखना आर के एस भदौरिया, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट में बात करते हैं खेलो इंडिया गेम्स 2020, ये कहाँ हुए हैं? असम के गुवाहाटी के अंदर हुए हैं। तीसरे नंबर का है, क्यों है तीसरे नंबर का है, क्योंकि 2018 के अंदर इसकी शुरुआत की गई, 2018 में हो गया, 19 में हो गया, 20 में हो गया, तीसरे नंबर के हैं। और इसके अंदर प्रथम स्थान पूछे तो महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे के यहाँ पहला स्थान रखा है किसने, महाराष्ट्र के अंदर 256 पदक जीते। यदि दूसरा स्थान पूछे तो हरियाणा का, और यदि राजस्थान की बात करें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो राजस्थान तो आपको पता है कि शुभ अंग रखता है 11वां स्थान, और पदक भी शुभ ही जीतता है 51 पदक। नेक्स्ट में बात करते हैं निजी रेल परिवहन 2023 तक रेल परिवहन को 5% यात्री रेलगाड़ी को निजी क्षेत्र में लाने का ही यह प्लान है। और निजी आपको यदि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि निजी रेल के निजीकरण करने से क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान करने होंगे, तो आप एग्जाम में इंटरव्यू के अंदर सिर्फ नुकसान ही नहीं फ़ायदे भी बताओगे क्या, कि इससे एक तो निवेश बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। यदि दूसरा फ़ायदा पूछे तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और यदि तीसरा फायदा पूछे तो निजीकरण से मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, आपको ही पता है कि प्राइवेट जो क्षेत्र में है उनका मैनेजमेंट कितना अच्छा होता है। नेक्स्ट में बात करते हैं शेषनाग, अब शेषनाग क्या है, यह एक मालगाड़ी है जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है, कितनी, 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी है। इससे पहले सबसे लंबी कौन थी, तो सुपर एनाकोंडा भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी थी। अब मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर लगभग 250 डिब्बे हैं, 250 डिब्बे खूब होते हैं देखो दोस्तों। अब मैं आप बताऊं कि आज की क्लास है ना, ये हमारी, यह हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही डेडिकेटिव होकर बनाई गई है, और यह जो 2019-20 के अंदर महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर क्लास बनाई गई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगे वही है जो एग्जाम में जरूर जरूर पूछ जाएंगे, इनमें से कम 5 या 6 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे आपको। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतने काफ़ी, नेक्स्ट में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको।